से सबसे ज्यादा दर्द होता है, सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है वो पेन। 6 हड्डी टूटने के बराबर दर्द ही ज्यादा गुना दर्द हुआ था मुझे, कहा था 13 आवर मुझे बहुत दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा। सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है ये तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बोला जाता है कि दुनिया में सिर्फ 2 पेन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा होता है, और वो है एक जो जिंदा जलता है, वो सबसे पहले नंबर पर रखा गया है कि जो जिंदा जलता है उसे सबसे ज़्यादा दर्द होता है, सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होता है वो पेन, और दूसरा लेबर पेन। जब आप प्रसव पीड़ा में होते हैं, जब आपको लेबर पेन चालू होता है, वो पेन सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंड नंबर पे, दुनिया का सेकेंड नंबर पे यही पेन है जो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी को दर्द ही नहीं होता है, हर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत कोई को दर्द होता है, बहुत कोई को दर्द नहीं होता है, बहुत कोई को कम होता है, बहुत कोई को ज़्यादा होता है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, मतलब कि अगर बोला गया है कि 206 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है तो यस, उससे भी कहीं ज़्यादा गुना दर्द हुआ था मुझे। मतलब अगर उस समय मुझे कोई जान से भी मार देता या जिंदा जला भी देता ना, तो भी मुझे वो फील जो हुआ था, वो दर्द हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अगर मैं बोलूँ, पर ऐसा नहीं है कि हर किसी को होता है, मतलब मुझे था, मेरा लीवर पेन जो था वो 13 आवर्स का था, 13 आवर मुझे बहुत दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण मेरा वाटर ब्रेक भी हो गया था और ब्लीडिंग वगैरह भी हो रही थी। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि किसी किसी को तो नॉर्मल पेन होता है, मतलब पीरियड पेन होता है और डिलीवरी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आप लोग ये चीज़ दिमाग में मत बैठा के रखो कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी कैसे करूँगी मैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि कितना दर्द होता है। मैं तो तब एडमिट हो गई थी जब मुझे पीरियड जितना ही पेन हो रहा था, मैं तो सोच के भी नहीं गई थी कि दर्द कितना होता है, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि दर्द कितना होता है। अगर मैं झूठ ना बोलूँ और अगर आपको ना डराऊँ, तो इसमें सच में अगर दर्द ज़्यादा हुआ आपको तो दर्द असहनीय होता है, मतलब बर्दाश्त से बाहर होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि मैंने ये फील किया है। तो मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगी, आपको सच्ची बताऊंगी, क्योंकि झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बोलोगे बाद में कि मुझे बहुत दर्द हुआ था, आपने झूठ बोला है, तो ये बहुत जन को कम होता है, बहुत जन को ज़्यादा होता है। मेरा तो पेन जो चालू होता है वो कमर से हुआ था, कमर से इसका दर्द चालू होता है और ये रुक रुक के धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे स्टार्टिंग में आपको पीरियड जितना ही पेन होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, जब आपका टाइम पास आ जाएगा, जब आपका गर्भाशय का मुँह वो खुलने लगेगा ना, तो वो पेन आपको ज़्यादा होने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे साथ तो मतलब मैं तो एकदम मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं मर ही रही हूँ। मुझे मतलब मैंने एक वीडियो देखा, उसमें मतलब एक थी यूट्यूबर ही है, उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ था और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो ऐसा पता नहीं कैसे, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और उस पेन में मुझे एनेस्थेसिया के बगैर ही बेबी हो गया। तो आप सोचो कि मुझे किस कदर का पेन था कि मुझे बेबी भी हुआ पता भी नहीं चला, क्योंकि पता तो चला था ऐसा नहीं है, बट मैं वो दर्द से भागना चाह रही थी इसीलिए मुझे वो पेन नहीं चाहिए था। मतलब मैं लास्ट जैसे हो रहा था ना, कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि वो पेन इतना ज़्यादा था कि मुझे उस पेन के बाद फीवर आ गया, मेरा गला बैठ गया, मुझे पानी चढ़ाया गया, मुझे ऑक्सीजन लगाया गया। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बस एक नॉर्मल डिलीवरी की सच्चाई बता रही हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था। तो यही होता है गाइज, अगर आप लोग प्रिपेयर हो जाओ तो ठीक है, क्योंकि मैं तो सोची भी नहीं थी कि इतना दर्द होता है, इतना दर्द होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। हो सकता है कि आपको ना हो सकता है कि आपको कम दर्द हो, लेकिन अगर आपको हुआ दर्द तो बहुत दर्द होता है इसमें, पेट से लेके कमर से लेके पूरा पीरियड वाला दर्द 1% दर्द होता है। मतलब जो एब्डोमिनल पेन होता है ना पीरियड में, वो बस 1% होता है, और लीवर पेन का उसका 200 गुना ज़्यादा होगा। क्योंकि मुझे ना, मैं कांप जा रही थी जब ना मेरा पेन जब आ रहा था ना, वो मैं ना कांप रही थी उस समय पे। तो गाइस, नॉर्मल डिलीवरी इतना आसान नहीं होता है, एकदम आसान नहीं है। अगर आप लोग भी
प्रेग्नेंट हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अगर आगे आपको भी नॉर्मल डिलीवरी होगी, खैर मुझे बताना काम था, मैंने बता दिया आपको। मैं डरा नहीं रही हूँ, जो सच्चाई है, जो सही है, वही बता रही हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत जन बोलेंगे कि दर्द होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा था, मैंने देख के गई थी मैं। तो गाइज थैंक यू सो मच, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन मत कराना, नॉर्मल डिलीवरी इज़ बेटर फॉर बेटर देन ऑपरेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।